रुक कर लेते हैं टोंक से मिल रही बड़ी खबर का। विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय टोंक का दौरा करने वाले हैं। 4 से लेकर 5 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आपको बता रहे हैं। टोंक विधानसभा की ग्राम पंचायत में सचिन पायलट पहुंचेंगे। अरनियामाल काबरा खातोली जाने का कार्यक्रम सचिन पायलट का है। सांखना छांड भरनी दाखिया भी सचिन पायलट पहुंचेंगे। टोंक शहर के वार्ड नंबर 22 और 36 में भी सचिन पायलट के जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। विकास कार्यों के लोकार्पण में सचिन पायलट शामिल होंगे। सचिन पायलट सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और कई विकास कार्यों में जब लोकार्पण होगा वहां पर भी सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। और टोंक से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मालपुरा टोडा राय सिंह सीट जीतने की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। सह प्रभारी अमृता धवन आज मालपुरा पहुंचेंगी। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ खास रणनीति तैयार की जाएगी। टिकट दावेदारों से 1-to-1 संवाद भी करेंगी अमृता धवन। 30 साल से कांग्रेस को विधानसभा में जीत नहीं मिली है और इस बार पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सके इसी को सुनिश्चित करने के लिए अमृता धवन पहुंचने वाली हैं, जहां पर लोगों से कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद भी करेंगी। इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोशिश है कि इतिहास को बदला जाए और इस बार यहां पर कांग्रेस आ सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला ने 7.5 करोड़ की लागत से बने यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस यूथ हॉस्टल को 2002 में स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 2022 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अपने कोटा बूंदी प्रवास के दौरान कल ओम बिरला बूंदी जाएंगे और नवल सागर पर फसाद लाइट्स का शुभारंभ करेंगे। बूंदी में 4 स्थानों पर फसाद लाइट्स लगाई जाएंगी। पहले चरण में नवल सागर पर लाइटिंग की गई है। तो 7.5 करोड़ की लागत से यूथ हॉस्टल का निर्माण हुआ है। हालांकि कई साल लग गए इस हॉस्टल को बनने में, लेकिन अब इसका लोकार्पण ओम बिरला की ओर से किया गया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वही दौसा के लालसोट में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के विरोध में सरपंच पति सहित 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर लालसोट प्रशासन ने टंकी पर चढ़े लोगों से समझाइश की। दरअसल चांदसेन गांव की सरपंच पिछले कई सालों से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, जिसे लेकर 9 महीने पहले भी सरपंच और उनके पति ने टंकी पर चढ़कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब फिर से सरपंच पति टंकी पर चढ़ गए। ग्राम पंचायत चांदसेन में गत वर्ष 24/12/2024 को चढ़े सरपंच पति और सरपंच कौशल्या देवी चांदसेन ने जो टंकी पर चढ़कर जो मांगे रखी थी उनको पूरा नहीं करने पर सरपंच पति वापस से टंकी पर चढ़ गए हैं, जिसमें 3 मांगे रखी गई थी उनकी, 145 में और अतिक्रमण हटवाकर भूमि ग्राम पंचायत के अधीन करना और सेक्रेटरी को हटाकर दूसरा सेक्रेटरी लगाना। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले मांगे पूरी नहीं हुई, अब क्या भरोसा है कि इस बार मांगे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, पिछले करीब 3.5 घंटों से 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन अभी 3 जो युवक हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जो चांदसेन गांव की जो बेस कीमती जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। लालसोट शहर के बिल्कुल नजदीक चांदसेन ग्राम पंचायत है और यहाँ पर मुख्य सड़क पर एक सरकारी जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लंबे समय से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग चल रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। स्थानीय जो सरपंच है कौशल्या मीणा, वो भी 9 महीने पहले अपने पति के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी थी। तब प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो आज सरपंच का पति महेश मीणा और अन्य 2 लोग यानी कुल 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आज ही अतिक्रमण को हटाया जाए, वरना वे टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। इधर लालसोट, अब देखना है कि क्या इस बार उनकी मांगों को सुना जाता है और सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चूरू के सादुलपुर